हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट। काफ़ी दिनों से मैंने पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया था, तो मैंने आज सोचा कि चलो एनर्जी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस, इस चैनल पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, कंटेंट शेयर करती हूँ, वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। और अगर इनमें से कोई एनर्जी अपडेट आपके साथ मैच ना करे तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। सो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले आज हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो इस वक्त 3 जुलाई को जो फुल मून होने वाला है, उसकी एनर्जी 7-7 पोर्टल की एनर्जी जो है, आप में से कुछ लोगों को फील होना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस एनर्जी में गाइस, कुछ लोगों को पहले फील होती है ये एनर्जी, कुछ लोगों को जो है जब फुल मून होता है या 7-7 पोर्टल होता है उस ड्यूरेशन ये एनर्जीज जो है फील होने लगती है, और कुछ लोगों को ये न्यू फुल मून और पोर्टल जाने के बाद ये एनर्जीज फील होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा अभी नहीं हो रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आगे जाके ये एनर्जीज आपके साथ से रेजोनेट करें। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हम इस वक्त यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मॉर्निंग में भी नींद आ रही है, आफ्टरनून में नींद आ रही है, या फिर नाइट में भी सोने के बाद आप जो है दिन में भी सो रहे हो, तो आपको जो है रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी एनर्जीज़ को अपने बॉडी के अंदर अच्छे से रिसीव करने के लिए और अंदर एक्टिवेशंस के लिए आपको जो है आराम करने की ज़रूरत होगी। तो मेक श्योर कि आप रेस्ट अच्छे से करें, और डेफिनेटली एनर्जीज जो है इस वक्त ज़्यादा हाई है और उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, और उसकी वजह से गाइस आपको जो है प्रोटेक्शन लेना इस ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एनर्जी इस वक्त जिस वक्त हाई होती है यूनिवर्स में, तो उस वक्त आपको जो है उसे अच्छे से रिसीव करना ज़रूरी होता है, और आपके इनर वर्क पे अच्छे से ध्यान देना भी आपको ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेडिटेशंस, चक्रा मेडिटेशंस और चक्रा एक्टिवेशन के लिए जो कुछ आप करते हो वो अच्छे से करें। उसके साथ ही साथ आपके ऑरा को जो है अच्छे से प्रोटेक्टेड रखें, ताकि किसी निगेटिविटी का अटैक जो है आप पे ना हो। तो ये चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी होगा, मेडिटेशन को स्किप ना करें। उसके साथ ही साथ पर्जिंग होगी आपकी काफ़ी ज़्यादा, और आपको काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी इस वक्त हो सकते हैं, तो आपका माइंड ऐसा लगेगा आपको कि फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी आप हाई वाइब्रेशन में हो, कभी आपको लगेगा कि आपको बहुत ही सैड और इरिटेटेड फील हो रहा है। तो ये सारे आपके ट्रिगर्स हैं जो इस वक्त सरफेस पे आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा। और यूनिवर्स में जो भी हम अपडेट्स रिसीव कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट से आपको ऐसा फील हो सकता है। और कुछ कुछ डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन ऐसे होंगे जो कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, उन्हें ऐसा फील होगा। आपको ऐसे भी ट्रिगर्स हो सकते हैं कि पास्ट कुछ दिनों में आपने जो कोई भी चीज़ें सीखी है, लेसन सीखे हैं, या जिस किसी बात का फियर है, तो उससे रिलेटेड भी आपको ट्रिगर्स देकर यूनिवर्स जो है आपकी टेस्ट ले सकता है। ऐसी कोई मेजर सिचुएशन आपके सामने यूनिवर्स डाल सकता है इस ड्यूरेशन कि जिससे आपको ऐसे लगे कि आप बाहर नहीं निकल सकते या फिर आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते, तो इस तरह से यूनिवर्स जो है इस वक्त आपकी टेस्ट ले रहे हैं। कोई अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो तो उससे बाहर निकलने के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है गाइस इस वक्त यूनिवर्स में आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। बाकी जो कुछ भी ट्रिगर्स वगैरह आप फेस कर रहे हो तो उन्हें आप नोट डाउन करके हील कीजिए। रीयूनियन की एनर्जीज भी मैं इस ड्यूरेशन जो है यूनिवर्स में नोटिस कर रही हूँ। जो कोई भी लोग हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, तो इनकी उनकी रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। रिसेंटली मैं
ट्विन बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज के वीडियोस और शिव शक्ति की इमेजेस, राधा कृष्ण की इमेजेस, देन 11-11 एंजल नंबर और ऐसे कई सारे रेडिएंट के साइंस जो है नोटिस कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली हो सकता है इस फुल मून के ड्यूरेशन जो है कुछ लोगों का रियूनियन हो जाए। सो जो लोग रियूनियन के करीब हैं उन्हें ऐसी सारी यू नो साइंस वगैरह ऑलरेडी दिखाई दे रहे होंगे। इन्फिनिटी सिंबल, ड्रीम में एनिमल्स का मीटिंग करते हुए देखना, खूबसूरत से कपल्स देखना, या फिर वरमाला के वीडियोस पॉप होना, शॉर्ट्स पॉप होना, एंगेजमेंट रिंग के वीडियोस पॉप होना, शॉर्ट्स पॉप होना, सिंदूर भरते हुए कपल्स दिखना, तो ये सारी चीज़ें जो है गाइस आपके साथ हो सकती है। ये सारी एनर्जीज़ है इस ड्यूरेशन में, थोड़ी बहुत हैवी एनर्जीज़ जो है पिक कर रही हूँ। डीएम भी अपने डीएफ के बारे में सोच रहे हैं और डीएफ भी कहीं ना कहीं अपने डीएम के बारे में इस वक्त सोच रही हैं। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप थोड़ी बहुत मिसिंग एनर्जी आपके डीएम की तरफ से ज़रूर यू नो फील करोगे। यहाँ पर मुझे कार्मिक से ट्रिगर होते हुए जो है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कार्मिक लोग कुछ लोगों के सरफेस पर आएंगे, कुछ डीएम के और डीएफ के, ताकि यू नो उन्हें रिलीज होने का टाइम आ गया है। तो इसकी वजह से आप कार्मिक से जो है ट्रिगर्स भी फेस इन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप बैलेंस रहने की कोशिश करें, अपना इनर वर्क जो है अच्छे से करें और जितना भी पॉजिटिव माइंडसेट में आप फिर रह सकते हो उतना रहे। सो आई होप गाइस कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। सो इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।